उज्जैन जिले का भाटपतलाना वाला क्षेत्र में एक अजब मामले सामने आयो। नागदा करने का रुपेटा गांव में रहने वाला एक छोरा के विकास दोस्त ने विका रिश्तेदार उनने सुरेल में बुलायो ने विके रास्ता उनसे बांधी के पटकी दियो। इका बाद विका शरीर पर नरी जगह उन पर गर्म सरिया आ गया। अणी घटना सामने आवा के बाद सुरेल ने रुपेटा दोई का दोई गांव उनमें बलता में माहौल गर्माई गयो थो। यह घटना रुपेटा का 19 साल का सौरभ परमार का साथ वही है। सौरभ के विका दोस्त मोइन ने गई 4 फरवरी के अपना ससुराल सुरेल में बुलायो। वी के कह के आई जा पार्टी करांगा। बापड़ो सौरभ सुरेल पहुंची गयो। यहाँ मोइन ने विकी घरवाली सबीना ने सास सकीला ने साली सबाना ने अरबाज ने साला ने विके बांधी गन पटकी दियो। इका बाद विका शरीर पर नरी जगह उन पर सरिया गर्म करके चोटाया। आरोपी उनको कहना पड़ी रहो था कि सौरभ मोइन की घरवाली सबाना गलत निगाह धरतो थो। इका चक्कर में विका हाल बेहाल बनाई दियो। यो तो बोलो है कि सौरभ का जीजा जी मौका पहुंची गया विके छोड़ ही लियो। यह घटना सामने आवाक बाद आखा गांव को माहौल गर्माई गयो थो। सौरभ का जान पहचान वाला लोग तो आरोपी उनको घर तक बालबाग तैयारी में आ गया था। फिर तो पुलिस वाला भाई उन मौका पहुंचा ने हालत संभाली। एसपी सचिन शर्मा जी बताई रहा कि इना मामला में हाल तक 4 जना उनके तोकी लिया है। उज्जैन जिले के थाना भाटपसलाना अंतर्गत एक आवेदन सामने आया था जहाँ पे आवेदक द्वारा बताया गया था कि एक लड़की से उसकी बातचीत थी और उस दौरान उसे बुला के उसको जो गर्म सलाहें हैं उनसे उसको चोट पहुंचाई गई। तुरंत उसका मेडिकल कराया गया और जो आरोपी थे इसमें खासकर 5 उनमें से 4 की गिरफ्तारी कर ली गई है और एक जो अभी अभियुक्त है उसकी भी फरारी पर इनाम उद्घोषित किया गया है। एक समीचार आज को पंत पिपलाई को भी है। यहाँ पंत पिपलाई में गांव वाला मारा भाई उनने 2 डीजल टैंकर उनमें खटकर्म करता लोगों को देखा। पुलिस को सूचना दे दी। पुलिस ने पेट्रोल पंप एसोसिएशन वाला भाई उन मौका पहुंचा। यहाँ देखे तो अलग आज कहानी मिली। इंदौर का मांगलिया डिपो से डीजल टैंकर को ड्राइवर क्लीनर ने भी को एक साथी टैंकर के आड़ में लेकर झाड़ काटी दिया था। भाई उनने टैंकर को लाख कटर से काटे 5 ड्रम डीजल निकाली लियो। पुलिस ने इन मामला में ड्राइवर राकेश गुलेरिया क्लीनर राकेश परिहार ने इनका एक और साथ वाला धरी लियो। ये बताया कि खड़ी लियाकत भाई का केना पे 3 यो खटकरम कर ही रहा था। यो लियाकत भी सही हो जाएगा। हाथ तो आए एसपीसीएल का डीलर यथार्थ पेट्रोलियम के मालिक देवेश शर्मा जी ने एक गाड़ी को पकड़ा है जो कि पंच पिपलाई गांव में है और उसमें से डीजल की चोरी की जा रही थी और इसमें पुलिस ने भी केस रजिस्टर कर रही है। पुलिस भी नापतोल और फूड डिपार्टमेंट भी अभी आएंगे और वो भी अपनी कार्रवाई करेंगे। इस तरीके की चोरी को रोकना बहुत जरूरी है। ये अभी हमको थाने पर सूचना मिली थी कि ये पंच पिपलाई जो इंदौर बॉर्डर है यहाँ पर जो बाईपास रोड है पंच पिपले का उस पर एक टैंकर से कुछ 3-4 लोग मिलकर डीजल चोरी करते हुए पाए गए। गांव वालों ने सूचना दी पुलिस को तो हम लोग यहाँ आके मौके पे देखे हैं और जो भी एक्सपर्ट है उनको बुलाकर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं इसमें। और अभी टैंकर और जो लोग चोरी करे थे उनको हम लोग थाने पर ले जा रहे हैं और उसमें जो भी नियम हिसाब होता है उसके हिसाब से भी कार्रवाई की जा रही है। चोटा न उठाई गिरा उनको कई भरोसा नहीं। गए एक हफ्ता से अलग अलग जगह का सीन उन आपके दिखाई नहीं। कभी कोई गाड़ी उठाई जाए कभी कोई दुकान में भराई जाए कभी कोई दंधाड़े चूनो लगाई जाए। एक कोरियो सीन देखी लो। देवास रोड की पुलिस लेन वाला सामुदायिक भवन में कल एक ब्याह थो। हेमराज जी मालवीय के नाना शेखर को ब्याह। अपने भी गुलाब जामुन खावन जानो थो अपन तो जा पाए। हाँ छोड़ लो जरूर यहाँ पहुंची गयो। ब्याह में जो था सगड़ा परिवार वाला स्टेज पर ड्रोन वाला फोटो खिंचाई रहा था। जदेज एक जनो कजा कुन पीछे से श्याल हरी को आयो लिफाफा बैग उठाए टेकड़ा हरी को नीचे पूछ करी कर निकली गयो। हिणा बैग में कोई 50-60 हजार रुपये का लिफाफा उन धरिया था। भाई ने स्टेज पर खड़ा सगड़ा भाई बहने उनसे तो निगे बचाई ली पर कैमरा की निगाह से नहीं बची पायो। आनी फुटेज का आधार पे अब माधवनगर वाली पुलिस इके ढूंढी रही है। ब्याह की विदाई जो बाकी रह गई है। बोरा समाज वाला सैयदना साहब आली कदर सैफुद्दीन मुफलदल साहब काले उज्जैन आया। यहाँ इनकी एक झलक पावा खातर गंज भीड़ जुटी। सैयदना साहब 3 दिन तक यहाँ उज्जैन में ठहरेगा। अब
अबे जरा एक निगेह आज का छिपराजी वाला नान पे भी डाली लो। आज मुनि अमावस थी, अपना यहाँ तो सात दिन का आठ त्योहार नो नान, छिपराजी का घाट पे बारह महीना चले दान। अपने वाहन आग से जूझ पा रहा है, पुलिस आपकी सुरक्षा के लिए है, पुलिस का सहयोग। श्रद्धालु सिर्फ है, नदी में तैरना सब बड़ा है। अपने बच्चों और बुद्धों को हाथ पकड़ कर खड़े हो सेल्फी मिले। पुलिस वाला भाई उनसे कई चूक हुई जाए तो अपन खज भी को समीचार दिखाई ना, एक पल की देर नहीं लगाए। पर जब पुलिस वाला भाई उनको कई अच्छो काम सामा आए तो वीके भी समाज का सामने लानो अपनो दायित्व है। आज तुम्हारे साजापुर जिला में काम करो वाला दो पुलिस वाला भाई उनके एक अच्छी पहल की जानकारी देता चला। साजापुर जिला का लालघाटी थाना माए राम प्रसाद बामिया जी ना अनिल वाघेला जी इनने एक अलग अभियान चले रखियो ऑपरेशन स्माइल। दोई का दोई मारा भाई रोज डेली कणिन कणिन गरीब बस्ती में जाए, माँ का बच्चा बच्ची उनके कपड़ा जूता चप्पल फल बिस्किट ये सब बांटे, इनका चेहरा मुस्कान लेके आए। दोई का दोई भाई लंबा टाइम से वो काम करते चली आई रहा है ना, अपना निजी खर्चा पे दूजा कणिस रुपया मिल ले। लोकसभा चुनाव हाल आया भी नहीं, भाजपा मारा भाई उन्होंने तैयारी चालू करी दी है, गामड़ा गांव उनमें जाना शुरू करी दियो। साजापुर में जिला का अध्यक्ष अशोक नायक जी ने जिला का आखा 835 बूथ उन पर गांव चलो अभियान शुरू करायो। आणि भाजपा भाई उनके ऊपर से टारगेट मिलियो, गांव चलो अभियान जम के चलाई के गामड़ा से 10% वोट उन बढ़ाना है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी, प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय वीडी शर्मा जी एवं पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक दायित्ववान कार्यकर्ता, विधायक, मंत्री, जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष एवं नीचे तक के कार्यकर्ता गांव चलो अभियान में हिस्सा ले रहे हैं। महितपुर कने का मुंजा खेड़ी गांव से भाई सरवन सिंह जी ने अपने यहाँ हुआ एक धार्मिक आयोजन का वीडियो उन भेजा है। मुंजा खेड़ी गांव में सती माता मंदिर कने राम कथा का आयोजन भी हो, शुक्रवार राम कथा की पूर्णा होती वही आने मौका गांव में मेलो भरायो, खूब आनंद मनिया।